बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले हमें सिस्टम का पता होना चाहिए और आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि सिस्टम का आइसोलेटेड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिस्टम को डिफाइन करेंगे, फिर आइसोलेटेड सिस्टम को, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले है सिस्टम। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टन बाउंड्रीज। सिस्टम एक ग्रुप ऑफ बॉडीज है जिसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। सिस्टम को हम कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग अंडर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अब स्टूडेंट्स, वो ग्रुप ऑफ बॉडीज जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक बॉक्स में दो बॉल्स हैं तो उन पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अमल ना करें तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड बॉडीज है जो, वो टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, वो कॉन्स्टेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। तो स्टूडेंट्स, अब इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले फर्ज करते हैं हमारे पास एक एयर फिल बैलून है। अब एयर फिल बैलून को हम एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ चुके हैं। जब एयर फिल बैलून को हम उसकी ओपनिंग से छोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स, उसमें से एयर जो है एक्सपेल आउट होती है, एयर बाहर निकलती है, तो वो कोई ना कोई मोमेंटम अटेन कर लेती है। अब उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून अपवर्ड मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब इसी तरह अब एक और एग्जांपल देखते हैं आइसोलेटेड स्फीयर्स की। फर्ज करें हमारे पास टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 और m2 है। m1 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1, विद इनिशियल वेलोसिटी u1, और m2 मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन में है, विद वेलोसिटी u2। अब सिचुएशन कुछ यू है कि m1 की वेलोसिटी ग्रेटर है m2 की वेलोसिटी से, तो इसका मतलब है कि m1 अप्रोच कर रहा है m2 की तरफ। अब स्टूडेंट्स, कुछ देर बाद m1 m2 से कोलाइड करेगा। अब कोलाइजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलाइजन इनकी कोई ना कोई दोबारा स्पीड होगी, तो m1 की फाइनल जो वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी vi, और m2 जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको हम कहते हैं v2। m2 की फाइनल वेलोसिटी होगी v2। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, टू कंजर्व द मोमेंटम, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ मास m1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, तो ये हमारे पास इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से। तो मास m1 का हमारे पास मोमेंटम होगा m1 u1। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 हमारे पास होगा मोमेंटम हमारे पास हासिल होता है मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से, तो m2 का मोमेंटम होगा m2 u2। अब स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमारे पास होगा जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आएगा m1 u1 + m2 u2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो बिफोर कोलाइजन है इसका टोटल जो मोमेंटम है सिस्टम का वो आया है m1 u1 + m2 u2।
अब कोलिजन के बाद इनका क्या मोमेंटम होगा उसको देख लेते हैं। इसको हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल होगा m1 v1 के, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2, ये इक्वल होगा m2 v2 के। अब स्टूडेंट्स टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमारे पास तब आएगा जब हम इन दोनों के मोमेंटम को ऐड कर देंगे। तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमारे पास आएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम ये हमारे पास इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो अब लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट्स हमारे पास बिफोर कोलिजन आया है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, और टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास आया है m1 v1 प्लस m2 v2। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया है टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। स्टूडेंट्स अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास गन है, लेट सपोज उसका मास है एम, और जब गन को फायर किया जाएगा तो कोई ये रिकॉइल करती है, तो इसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं V। गन को फायर करने के बाद बुलेट का मास लेट सपोज हम कहते हैं स्मॉल m, और इसकी वेलोसिटी जिससे ये मूव करेगी वो है स्मॉल v। अब स्टूडेंट्स देखिए गन को फायर करने से पहले गन तो रेस्ट में थी, तो तब इसकी हमारे पास मोमेंटम होगा इसका जीरो। तो लिखेंगे बिफोर फायरिंग द गन मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगा जीरो के इक्वल। कैसे, ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी। जब स्टूडेंट्स गन ने मूव ही नहीं किया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो, जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा जीरो। अब स्टूडेंट्स जब गन को फायर किया जाता है तो गन रिकॉइल करती है और जो फायर है वो मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यूं कह ले कि जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल करती है। अब आफ्टर फायरिंग द गन इसका क्या मोमेंटम होगा वो कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज मोमेंटम ऑफ गन इज आफ्टर फायरिंग द गन, आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ गन इज स्टूडेंट्स मास है इसके एम और वेलोसिटी है वी, तो मोमेंटम हमारे पास आएगा एम वी। इसी तरह मोमेंटम ऑफ बुलेट हमारे पास आएगा, मोमेंटम होता है एम वी, स्मॉल एम है मास इसका बुलेट का और वेलोसिटी है वी, तो बुलेट का मोमेंटम आएगा एम वी। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द गन इज विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग द गन।
According to law of conservation of momentum, total momentum of gun and bullet before firing will be equal to total momentum of gun and bullet after firing. फायरिंग से पहले का मोमेंटम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा? जीरो. ओके, तब तो गन ने मूव ही नहीं किया, तो तब इसका मोमेंटम होगा जीरो. और फायरिंग के बाद हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द बुलेट हमारे पास होगा मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट को हम ऐड करेंगे. तो टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज जीरो एंड टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग विल बी एम वी प्लस एम वी. तो स्टूडेंट्स यहां पे हम वेलोसिटी ऑफ गन को फाइंड भी कर सकते हैं और इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं. ये हमारे पास आएगा एम वी इज इक्वल टू एम वी, यहां पे प्लस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा. अब स्टूडेंट्स यहां पे हम वेलोसिटी ऑफ गन को फाइंड कर सकते हैं, मास यहां पे गन का मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो वी हमारे पास आएगा माइनस एम वी डिवाइडेड बाय एम. तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन. यहां पे जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा है स्टूडेंट्स कि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ये अपोजिट है वेलोसिटी ऑफ गन के. और स्टूडेंट्स जो गन है उसका मास ज्यादा रखा जाता है. आप देख सकते हैं जितना मास ज्यादा होगा उतना गन कम रिकॉइल करेगी, जितना मास ज्यादा होगा उतना गन की वेलोसिटी कम होगी. तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, जिसमें हमने देखा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. जब गन फायर होती है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन रिकॉइल करती है. अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं रॉकेट की. स्टूडेंट्स जब रॉकेट में इंजन बर्न होता है तो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो एक्सपेल आउट होती हैं, और जब गैसेस एक्सपेल आउट होती हैं तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट अपवर्ड मूव करता है. और ये बात एक्शन और रिएक्शन भी हम कह सकते हैं. गैसेस का एक्सपेल आउट होना हमारे पास एक्शन होता है और रिएक्शन के तौर पर रॉकेट अपवर्ड मूव करता है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.